मॉर्निंग टू बोलिए, कोई प्रॉब्लम परेशानी गिला सीखो। सर। इन्फिनिक्स जिसमें लाइट नहीं आ रहा था या फिर बंद हो गया था, डीसी मशीन में क्या बता रहा था? पावर ऐसी को चेंज करो। चेंज करने का मतलब ये होता है कि आप रिवॉल्व करके देखो, उससे नहीं हुआ तो आप चेंज करोगे। कभी कभार क्या होता है ना, रिवॉल्व करने से नहीं वर्क होता है, उसमें चेंज करना पड़ता है। आप बोलोगे सर हम रिवॉल्व कर दिए, काम नहीं कर रहा है ना। मार्केट में मिल जाएगा। हाँ मार्केट में मिल जाएगा, कौन सा मॉडल है देख लेना, कुछ दिन के बाद हमारे पास भी मिल जाएगा। हमारे पास अभी एक WTR ऐसी है जो कि कम से कम रेट में हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। होली के बाद हो सकता है आईसी अवेलेबल हो जाए। सामान आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान अभी लेट है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपको ये मिलेगा जो इमरजेंसी लाइट होता है ना, छोटा से लेकर के जितना बड़ा लाइट होगा है ना, वो हमारे पास में आएगा। होली के बाद सारा वो रेंज अवेलेबल हो जाएगा। पहले एक एक चीजों को करके मंगा रहे हैं जो सही क्वालिटी लग रहा है वो सब चीजों को, तो लाइट हम चेक किए हैं तो उसमें सही है तो हम वो मंगा रहे हैं। क्या है कि दुकान में इमरजेंसी लाइट सेल होता है। हमको इमरजेंसी चाहिए था और रिपेयरिंग के लिए फैन वाला रिपेयर है, मतलब उसका चाहिए था पंखा का कैपेसिटर वगैरह कॉइल सब जो आता हाँ है। वो सारी चीज आपको मिल जाएगा। और मोबाइल का जो छोटे कंपोनेंट होते हैं, जो मोबाइल नई मार्केट में मिलते हैं ना, वो भी मंगा, वो आ गया है। जैसे कि नेटवर्क क्रिस्टल होता है ना, ये बहुत खराब होता है नेटवर्क क्रिस्टल, छोटे छोटे वाले। अब तो सभी के पास में फोन नहीं होता है डेड ना, तो उसको तो खरीदना पड़ता है, मार्केट में मिलेगा नहीं तो खरीदेगा कहाँ से। इसलिए वो सारी चीज क्रिस्टल आ गया है दो टाइप का, और WTR ऐसी आ गया, बाकी आईसी नहीं आया है, उस पे काम चल रहा है। बता दीजिएगा हमको क्या? हाँ बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है आपका? सर, वही हमको क्या क्या करेंगे हमको पता नहीं है। आप स्क्रीन कैसे खरीदे होगा, हो अनलॉक टूल और उसको चलाने के लिए आपको सीखना है, तो सभी लोगों को अनलॉक टूल बता देते हैं जी। तुरंत मिल जाएगा, चलो हम बस पहले सीख लो कैसे चलाना है, बाकी आपके कुछ। हाँ बोलिए। कि हाँ करवा दीजिए सॉफ्टवेयर का क्लास सॉफ्टवेयर का क्या करवा दें? करवा दीजिए ना, क्या होता कैसे होता उसका मतलब देखो अभी एक स्टूडेंट अनलॉक टूल के बारे में पूछा है, हम अनलॉक टूल के बारे में बताते हैं, फिर आपको किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो बोलिएगा, हम एक करके करा देंगे। अभी अनलॉक टूल के बारे में बताते हैं। देखो सब लोग ध्यान दो जी, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये टूल जब आप खोलोगे तो आपका इस प्रकार का खुलेगा। ये टूल को यूज करने के लिए USB ड्राइवर डाउनलोड करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा सेटिंग करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये टूल को डबल क्लिक करके खोल लेना। बोलो उस फोन में क्या करना है आपको राहुल? अनलॉक उसका करना है, लॉक तोड़ना है। लॉक तोड़ना है। ये जो टूल है इसे यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे मॉडल जैसे कि Reno 6 5G, Reno 4G दिख रहा है ना, ये सारे ओप्पो का जो फोन दिख रहा है बहुत सारा आपको दिखेगा, ओप्पो F9, ओप्पो F7, ये दिख रहा है। ये जितने मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है ये मॉडल को आप तोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ओप्पो EA53S दिया हुआ 2020 का है, इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो EDL लिखा हुआ है, मतलब इसको EDL पॉइंट शॉर्ट करके आप फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करोगे। इसका लॉक तोड़ना है तो यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करोगे। बोलिए। सर शॉर्ट करके कनेक्ट करेंगे तो मतलब एडियल फोन पॉइंट जो है उसको शॉर्ट करके ऑन करना है या फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, EDL पॉइंट फोन को बंद कर लेना है, EDL पॉइंट को चिमटी से सटा के रखना है और डाटा केबल को कनेक्ट करना है, ठीक है? जब कनेक्ट करोगे, अगर कनेक्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो कॉम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पोर्ट बन जाएगा। यदि क्वालकॉम सीपीयू तो क्वालकॉम, मीडियाटेक सीपीयू रहेगा तो मीडियाटेक यहाँ पे लिख देगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो कनेक्ट होगा तो ही लिखेगा। जब तक यहाँ कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपका फोन का लॉक नहीं टूटेगा। फिर अब क्या करोगे, लॉक लगा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे
और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, फोन को कनेक्ट करो, है ना। देखो यहाँ ईडीएल लिख दिया, मतलब बोल रहा है कि आप ये फोन को ईडीएल पॉइंट से कनेक्ट करोगे। हाँ ट्रैकिंग का सर उपाय बोलिए, ट्रैकिंग रुको, पहले अनलॉक करने के लिए आज हम बता देते हैं, फ्लैशिंग करने के लिए भी हो जाएगा। आपका वीवो का जो फोन है, यदि वीवो का फोन है उसमें कोई फोन है जिसमें लॉक लगा हुआ है, तो आपके पास कोई भी मॉडल आता है उस पर आप क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है, यदि एफ आर पी लॉक लगा रहेगा तो इस पर आप क्लिक करोगे, और पैटर्न लॉक लगा रहेगा तो इस पर क्लिक करोगे, एफ आर पी पैटर्न दोनों एक साथ हटाना है तो इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर ये फोन को हमें कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे एम टी लिखा हुआ है तो हम आप लोग को बता के रखते हैं कि एम टी मतलब मीडिया टेक। मीडिया टेक फोनों को कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन का यूज करते हैं, या वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप, है ना, किसी किसी में डियल पॉइंट हो सकता है। वेट फॉर डिवाइस कर रहा है, फोन जैसे कनेक्ट होगा ये लॉक होना शुरू कर देगा। यहाँ से सिर्फ मीडिया टेक फोन फ्लैशिंग होगा और यहाँ से सिर्फ क्वालकॉम फ्लैशिंग होगा। तो हम अभी मीडिया टेक में है तो मीडिया टेक फोन को कैसे फ्लैशिंग करते हैं थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। फ्लैशिंग करने के लिए सिंपली आपको एक फ्लैश फाइल का जरूरत होता है जो कि आप गूगल से डाउनलोड करते हो। कैसा होता है, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो वो हम बताते हैं क्लास में, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे A3S लिखे थे ना, और यहाँ पे फ्लैश लिख देते हैं। देखो A3S का फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसको फ्लैश फाइल को फ्रेमवेयर के नाम से भी जानते हैं, स्टॉक रोम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लैश फाइल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये जो फ्लैश फाइल है वो 2.11 GB का है। ये फाइल आपके पास डाउनलोड करोगे यहाँ क्लिक करके, ये आपके पास मौजूदगी में होना चाहिए। तो हमारे पास एक फ्लैश फाइल हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्कैटर डम फाइल, है ना, ये फ्लैश फाइल है। इसको डाउनलोड अब करके रखे हो तो ठीक है, हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं उस चीजों को, बाद में कौन लाइव आता है जी। फ्लैश फाइल को डाउनलोड करके रखना होता है सर पहले से। हाँ देखो हम अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम फ्लैश फाइल को डाउनलोड करके रखे हुए हैं। आप देखो हमारा डेस्कटॉप में दिख रहा होगा, ये फ्लैश फाइल है। इसको इसको जब हम एग्जिट शेयर किए तो यहाँ पे आया है, मतलब फोल्डर फाइल में कन्वर्ट किए। हम अनलॉक टूल में जाएंगे, अनलॉक टूल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन था ना स्केटर डम फाइल, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमको लेके चला जाएगा माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में जो हम फाइल रखे हैं वो डेस्कटॉप में रखे हैं, और यहाँ पे जाके कोई एक फाइल को लोड करेंगे, जो फाइल हमारे पास में है। तो वो फाइल कहाँ है यहाँ देखना पड़ेगा। देखो ये जो फाइल है ये मेरा फाइल है, इमेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे MT6765 CPU का नंबर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा फाइल देखो लोड हो गया। लोड होने के बाद नीचे देखो फ्लैश का ऑप्शन है, फोन को कनेक्ट करने का सेम प्रोसेस, कनेक्ट करोगे और यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर दोगे, आपका फोन फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी एक मैसेज आएगा, फोन हमारा कनेक्ट नहीं है, इसलिए कनेक्ट होगा तो होता तो फ्लैशिंग करना शुरू कर देता। थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो यहाँ पे फ्लैश के बारे में देखो, वेट फॉर डिवाइस मतलब हमारे फोन कनेक्ट नहीं है इसलिए ये फ्लैश नहीं कर रहा है, जैसे कनेक्ट करेंगे फ्लैशिंग करना शुरू कर देगा। ठीक सर है, कौन कौन सा प्रॉब्लम के लिए फ्लैशिंग करते हैं? फ्लैशिंग करने के लिए हम फ्लैशिंग का प्रॉब्लम लिखाते हैं, फोन लोगों में चले जाना, फोन हैंग होना, फोन हीट होना, ऑटोमेट काम करना, कभी कभी टच काम नहीं करना, बहुत रीजन होता है फ्लैशिंग करना, इसके लिए हम प्रॉब्लम दिखाते हैं सभी को, है ना। ये सारे लक्षण होते हैं फ्लैशिंग करने का, कि जब आपका फोन हीट हो रहा हो, स्लो चल रहा हो, हैंग कर रहा हो, रीस्टार्ट हो रहा हो, ये सब कंडीशन में आप फ्लैशिंग करोगे। ठीक है, तो ये टूल आप ले लो, एक दो बार छेड़ोगे, परेशानी होगे, तब धीरे धीरे करके सीखोगे। नहीं तो जब तक आपके पास टूल नहीं रहेगा ना, आपके पास काम भी आएगा तो रिटर्न जाएगा और आप नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा नहीं कि हम ये जानते हैं, हम ये कर सकते हैं। डर डर के हर काम को शुरू की हो तो टूल को भी खरीदो और उसको भी शुरू करो, नहीं तो नहीं होगा यूज। देखो फोन आप खरीदे थे ना, उसमें नया नया पहली बार उसमें डर लगता होगा कि चला पाएंगे, खरीद तो रहे हैं चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, आज इसका हीरो हो गए हो ना। तो ऐसे आप खरीदोगे टूल को ना, क्योंकि टूल खरीदोगे तो आपका पैसा लगेगा और एक वो फोन रिटर्न जाएगा ना, तो आपका बड़ा अफसोस होगा कि हम टूल खरीदने के बाद भी रिटर्न कहा जा रहा है, तो उसमें तू काम करेगा। ठीक है, और जब तक आप टूल नहीं खरीदोगे तो कोई काम नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा, हर चीज का जुगाड़ होना आप चाहिए। बोलिए।
अनलॉक में अंतर क्या है? देखो बाबू, अनलॉक में अंतर और फ्लैशिंग में अंतर ये है कि जब आपके फोन लॉक आता है ना, जैसे पिन लॉक, पैटर्न लॉक या एफआरपी लॉक, तो उसको हम लोग फॉर्मेट करके वो लॉक को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिंपली फोन का डाटा रीसेट कर देते हैं हम लोग। और फ्लैशिंग मतलब ये होता है जो आपके फोन में विंडोज है ना, जो आपके फोन में एंड्रॉयड वर्जन है ना, उसको हटा करके नए को डालते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैशिंग करना, जिसमें आप फ्लैश फाइल को नया चढ़ाते हो और जो फॉर्मेट आप करते हो, डाटा को लॉस करते हो, उसको बोलते हैं अनलॉक करना। जैसे कि सिंपल सा चीज है, जैसे कि सिंपल सा चीज है, आपका रूम है ना, और आप अपना रूम में ताला लगा के चले गए मार्केट, उधर चाबी गुम हो गया, तो आप क्या किए ना, चाबी को बनवा करके और खोलवा लिए ताला को, और एक होता है ना हथौड़ी लाके तोड़ के फेंक दो, नया डाल दो, उसको बोलते हैं फ्लैशिंग करना, और डुप्लीकेट चाबी बना के खोल देना, उसको बोलते हैं अनलॉकिंग करना। हाँ हाँ ठीक है, दोनों सॉफ्टवेयर का ही एक रूप है, लेकिन अनलॉक में थोड़ा इजी होता है, रिस्क कम होता है, फ्लैश में रिस्क अधिक होता है। फ्लैश करते समय आपका फोन डेड भी हो सकता है, अनलॉक करते समय भी डेड होने का संभावना होता है, लेकिन वहां कम होता है, फ्लैशिंग में ज्यादा होता है। ठीक है, और किसी के पास कोई प्रॉब्लम परेशानी जी फटाफट बताओ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अब कल।